हाय एवरीवन, माय नेम इज धृति। वेलकम टू केजी प्लेसमेंट प्रेप। तो आज इस वीडियो में फिर आपके लिए एक गुड न्यूज है। कंपनी इज बैक टू बैक ऑफ कैंपस अनाउंसमेंट्स कर रही है। कल ही मैंने आपको इंफोसिस के ऑफ कैंपस ड्राइव की न्यूज दी थी। आज फिर इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी माइंड3 के ऑफ कैंपस ड्राइव की सारी डिटेल्स। तो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, सो दैट कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। ओके, तो हम आ चुके हैं माइंड3 के ऑफिशियल करियर्स पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑफ कैंपस ड्राइव क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट की जा रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप एक बीटेक ग्रेजुएट हो और आपका ईयर ऑफ पासिंग है 2020 या फिर 2021, तो आप सब लोग इस ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एलिजिबल ब्रांचेस की बात करें तो अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर किसी सर्किटल ब्रांच से की है तो आप सब लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी ब्रांचेस सर्किटल ब्रांच के अंदर आएंगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन EE, EEE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी ब्रांचेस सर्किटल स्ट्रीम के अंदर आएंगी। परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम 60% मार्क्स या फिर 6 CGPA आपके होने चाहिए 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन में। इसके साथ साथ कोई भी एक्टिव बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई पेंडिंग बैकलॉग है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। गैप क्राइटेरिया की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड तक कोई भी एजुकेशन गैप अलाउड नहीं है। इसके साथ साथ ये जरूरी है कि आपने अपनी बीटेक 4 years में ही कंप्लीट करी हो। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ मेंशन है कि अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग डिस्टेंस लर्निंग या फिर पार्ट टाइम से की है तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। कंपनसेशन और बेनिफिट्स की बात करें तो 2.97 lakhs पर एनम आपका सैलरी पैकेज होगा। परमानेंटली ज्वाइन करने से पहले माइंड3 का लर्निंग प्रोग्राम आप अटेंड करोगे जिसमें आपको 21,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। कंपनी के साथ 2 साल का सर्विस एग्रीमेंट भी आपको साइन करना होगा। अब बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो अगर आप सिलेक्ट होते हो जूनियर इंजीनियर रोल के लिए तो आप इनमें से किसी एक सेक्टर में काम करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस, क्लाउड प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज या फिर आईटी गवर्नेंस। ओके, अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और गिवन लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप गिवन लिंक पर क्लिक करोगे आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको ये कम्प्लीट फॉर्म फिल करना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27th October टिल 4 PM, लेकिन आपको 27 तक का डिले बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही आप ये वीडियो देखकर खत्म करते हो आपको इमीडिएटली अप्लाई करना है। सारी बहुत ही बेसिक डिटेल्स है जो आपको इस फॉर्म में फिल करनी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हाय ऑल, टुडे आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। नॉलेज किट हैज टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर यू ऑल। वी हैव स्टार्टेड अ फ्री कोर्स, हैशटैग मेरा प्लेसमेंट होगा। ये 90 डेज का फ्री कोर्स आपकी पूरी तरह हेल्प करेगा जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है एक कंपनी में प्लेसमेंट लेने के लिए। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब के सारे सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे इस फ्री कोर्स में। इसके अलावा आप इसी कोर्स का प्राइम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जिसमें आपको काफी सारे और बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डिंग ऑफ द लाइव क्लासेस, यस सर के साथ मॉक इंटरव्यू देने का मौका, पूरे 1 साल की वैलिडिटी और भी काफी सारे बेनिफिट्स। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ फ्री कोर्स से प्लेसमेंट्स क्रैक नहीं कर सकते। फ्री कोर्स में आपको पूरा 90 डेज का शेड्यूल मिलेगा। आप आओ, लाइव लेक्चर्स को अटेंड करो, आपको खुद से खुद पता लग जाएगा कि हम किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक बार हम जल्दी से स्क्रीन पर चलते हैं ताकि मैं सारे कोर्स की फीचर्स के बारे में आपको जल्दी से ब्रीफ कर दूं। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस फ्री लाइव कोर्स का बैच 1 हमने स्टार्ट कर दिया है। 18th October से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हर रोज 8:30 बजे आपको लाइव लेक्चर अटेंड करने आना है। टोटल 90 डेज तक आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। अब अगर मैं आपको पूरा शेड्यूल दिखाऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 18th अक्टूबर से पूरा टाइम टेबल आपको दे दिया है। टर्न वाइज एप्टीट्यूड कोडिंग, CS, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश के सारे लेक्चर्स लगेंगे। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेकंड स्लाइड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टोटल 90 डेज का प्लान रहने वाला है।
देन मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड स्लाइड, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12th जनवरी 2022 को आपकी लास्ट क्लास होगी और इसके बाद आप एकदम प्लेसमेंट रेडी हो जाओगे। अब मैं आपको एक बार जल्दी से ये भी बता देती हूँ कि मेरा प्लेसमेंट होगा फ्री लाइव कोर्स और मेरा प्लेसमेंट होगा प्राइम कोर्स में क्या डिफरेंस है। MPH फ्री लाइव कोर्स में आपको हफ्ते में 6 फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी। प्लेसमेंट गाइडेंस के लिए नॉलेज के जो जो वेबिनार्स कंडक्ट करता है उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको एक कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा और MPH प्राइम में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड डाउनलोडेबल नोट्स, टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस एंड नोट्स, कंपनी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू प्रिपरेशन ट्रेनिंग, मॉक इंटरव्यूज, वेबिनार्स, रेज्यूमे बिल्डिंग ट्रेनिंग एंड कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट टू। ओके, अब बात करते हैं कि आपको इस कोर्स के लिए एनरोल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको www.knowledgegate.in वेबसाइट को विजिट करना है। जैसे आप वेबसाइट पर आते हो आपको इस इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आप एनरोल फॉर ट्रायल पर क्लिक कर MPH फ्री लाइव कोर्स को अटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो MPH प्राइम सब्सक्रिप्शन लेना तो आप बाय बंडल पर क्लिक कर परचेज कर सकते हो। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो कोर्स के सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट मॉड्यूल एकदम फ्री है जो MPH फ्री लाइव कोर्स में इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा जो बाकी के मॉड्यूल्स हैं ये सारे MPH प्राइम सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड होंगे। ओके, अब कोर्स के सारे फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। Trust me, this course is a complete end-to-end solution to all your hurdles in placement preparation.